श्री कार्तिक मास की जय। आज मैं आपको कार्तिक माहात्म्य का नौवा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। वो श्री विष्णु भगवान ने की जय। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी को पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, राजन आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर आकर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भगत की परीक्षा ली। उस जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी शांत लंबी भुजा चौड़ी छाती वाले गोरखपुर अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तदापि उस भगवान शंकर को ना पहचान कर इंद्र ने उनका नाम धाम तथा परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं पर गए हैं। इस पर उस तेजस्वी तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकी नाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब तक चुप रहते। उन्होंने क्रोध करके तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता है, मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुम दुर्गति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रोध हो इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र से इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उस ओर देखा, वैसा ही विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत ना रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित होते देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसने शंकर भगवान को जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर भूस्थित स्तुति दी थी। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी की यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए इस क्रोध को कहां पर डालूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान भक्तों पर दया करनी चाहिए, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए, आप अपने स्तेज को कहीं और स्थापित करके इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित ना कर सकेगी। बृहस्पति देव से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर शीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्धान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति देवता अपने अपने स्थान को चले गए।